आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार पल लिमका रिकॉर्ड होल्डर, मैं आज शुरू कर रहा हूँ अशोक के द्वारा स्थापित कलाकृतियों की चर्चा आज कर रहा हूँ। अशोक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। उन्होंने बुद्ध से संबंधित बहुत सारे स्थलों पर विभिन्न तरह के निर्माण कार्य किए और वह निर्माण कार्य आज हमारे लिए इतिहास के स्रोत हैं और उसकी अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षा में विशेष करके पब्लिक सर्विस कमीशन एवं यूपीएससी में पूछा जाता है। आज मैं सबसे पहला चर्चा कर रहा हूँ केसरिया का स्तूप। केसरिया का स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया है। बुद्ध एक रात्रि विश्राम किए थे, इस यहाँ पर बुद्ध का रात्रि विश्राम हुआ था, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और यह आपको केसरिया का स्तूप जो है चंपारण में अवस्थित है, बिहार में अवस्थित है। अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन आज से आप याद रख लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इसकी ऊंचाई 51 फीट है और यह जो है इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। उनके अनुसार तो यह इसका मूल जो स्तूप है वह 70 फीट है, लेकिन अभी जो है 51 फीट पर अवस्थित है। क्षेत्रफल इसका लगभग 1400 फीट है। स्थल पूर्वी चंपारण, जिसकी चर्चा मैंने किया है, पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसमें मूर्तियों की संख्या 200 है जो पहली मंजिल से लेकर 7वीं मंजिल तक अवस्थित है। यह केसरिया का स्तूप जब वैशाली से बुद्ध अपने स्थल की ओर गए, अपने गांव की ओर जा रहे थे, उनको लगा कि अब हमारा जीवन के अंतिम वर्ष आ गए हैं, 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं और हमारा महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो वैशाली से वो आगे की ओर बढ़े, वैशाली से उत्तर की ओर बढ़े। तो अंतिम उनका प्रवचन जो हुआ है वह वैशाली में हुआ। वहाँ के वज्जी संघ के लोग और वहाँ के जो संघ के उच्चतर अधिकारी थे वो लोग चाहते थे कि बुद्ध कुछ दिन यहीं पर विश्राम करे, लेकिन बुद्ध को तो आह्वान हो चुका था कि मेरा जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वहां से जल्दी वह चलना चाह रहे थे। लेकिन जो ही आगे बढ़े तो वज्जी संघ के लोग और उनके जो अधिकारी गण थे उनको आग्रह किए, जब वो आग्रह नहीं माने तो वहाँ उन लोगों ने बलपूर्वक कोशिश किया, जिसके चलते बुद्ध ने एक हाथ से ऐसा किया और बुद्ध के जो भिक्षुक लोग थे और जो वज्जी संघ के लोग थे उसके बीच में एक तत्कालीन धारा बह गई, नदी की धारा प्रवाहित हो गई और जिससे ये लोग पीछे ही रह गए और वह बड़ी तेजी से वह चले, या जाते जाते इन लोगों को ऐसा आ गया कि यहाँ पर केसरिया के पास शाम हो गया और वहीं रात्रि विश्राम किए। मौर्य साम्राज्य के आपको मौर्य वंश के सबसे बड़े शासक के रूप में जाने वाले अशोक ने वहां पर रात्रि विश्राम किए थे, इसीलिए उन्होंने स्तूप बनाया जिसको केसरिया का स्तूप कहा जाता है और यह स्तूप अभी विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अशोक ने अपने धर्म कार्यों से लेकर के जन कल्याणकारी कार्यों से लेकर के नैतिकता की पाठ पढ़ाने हेतु उन्होंने अभिलेख का निर्माण कराया। वह अभिलेख जो है अशोक के अभिलेख को 3 भागों में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक है स्तंभ लेख, दूसरा है गुहा लेख है, तीसरा है शिला लेख है। फिर स्तंभ लेख को 2 भागों में बांटते हैं, एक है बृहद जिसको दीर्घ स्तंभ लेख कहते हैं, दूसरा लघु स्तंभ, लघु मीन्स छोटा होता, बृहद मीन्स बड़ा होता है, और उसके बाद गुहा लेख मीन्स गुफा लेख कह सकते हैं, और यह जो है शिला लेख जो होता है पत्थरों पर उत्कीर्ण
जो कड़वाए थे उसमें बड़े जो है दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है, इस तरह से इनके अशोक के अभिलेख है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे ज्ञान का स्रोत है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्तंभ लेख में बृहद जो स्तंभ लेख है वह आपको टोपरा से जो प्राप्त स्तंभ लेख है उसमें 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है लेकिन अन्य पर 6 स्तंभ लेख है। इसलिए यह प्रश्न यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि 7 स्तंभ लेख की चर्चा टोपरा से प्राप्त अभिलेख में लिखा गया है और यह टोपरा का स्तंभ लेख इस बात को ध्यान में रख करके महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आते हैं बृहत अभिलेख को, मेरठ का स्तंभ लेख है, टोपरा का स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है, लौड़िया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है, लौड़िया अरेराज का स्तंभ लेख है, रामपुरवा का स्तंभ लेख है, वैशाली का स्तंभ लेख है, ये इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरठ का स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको मेरठ से दिल्ली लाया था और फरूख सियर के समय बारूद खाने में विस्फोट हो जाने से या क्षतिग्रस्त हो गया, फिर 1967 में इसको पुनर्स्थापित किया गया। मेरठ के बाद दूसरा था टोपरा स्तंभ लेख, ईवी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है और यह जो है सो हरियाणा से टोपरा कला गांव से जो हरियाणा में अवस्थित था वह वहां से दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 स्तंभ को दिल्ली लाया है, एक मेरठ स्तंभ लेख और एक दूसरा है टोपरा स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख को फरुखसियर के समय मुगल बादशाह फरुखसियर के समय बारूद खाना में विस्फोट हो जाने से क्षतिग्रस्त हो गया, यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं टोपरा की बात अभी जस्ट चर्चा किया हूं, अब आते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया, आपको समुद्रगुप्त जो थे गुप्त काल के राजा थे जिनको नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उन्होंने कौशाम्बी से प्रयाग लाया था और वह जो है हरिशन उनके राज कवि थे, राज पुरोहित थे, जिसमें उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रशस्ति मीन्स होता प्रशंसा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उन्होंने उसमें उत्कीर्ण करवाया और उसमें जो संस्कृत में लिखा गया था यह बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक वस्तु है जिसकी विभिन्न पुस्तकों में चर्चाएं होती है और इसको ध्यान रखेंगे। या प्रयाग प्रशस्ति जो है आपको हरिशन द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, इसी में जहांगीर के तख्त पर बैठने की भी कहानी उत्कीर्ण है और यह अकबर के द्वारा इसको पुनरुद्धार किया गया था। जो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा इसको ध्यान में रखना है। आप एक ही नाम से लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, लौड़िया आरे राज है, भोजपुरी में लौड़ को लाठी कहा जाता है, लाठी में से एक स्तंभ के रूप में होता है, इसीलिए लौड़ से लौड़िया बना। तो लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, लौड़िया आरे राज है, अरे राज में शिव मंदिर है, शिवलिंग है जो बहुत बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वो उसी के पास पूर्वी चंपारण में स्थित है जिसके शीर्ष पर सिंह था, वह सिंह जो है अभी वो नहीं है, वह संग्रहालय में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। पश्चिमी चंपारण में लौड़िया नंदनगढ़ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है और मयूर का चित्रांकन इस पर किया गया है जो सबसे सुरक्षित आपको स्तंभ है। इसके बाद रामपुरवा है स्तंभ लेख, जिसमें रामपुरवा वहां पर 2 स्तंभ है, प्रथम स्तंभ जो है लेख युक्त है, द्वितीय स्तंभ है लेख विहीन है। लेख युक्त जो है जिस पर आपको शीर्ष पर सिंह है कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, द्वितीय स्तंभ जो है लेख विहीन है, वृखब की आकृति है जिसमें राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह रामपुरवा का स्तंभ लेख की जो चर्चाएं आती है तो यहीं पर बुद्ध अपने रथ से
आए थे और वह रात में जो वहां से घर से घर को छोड़ करके जो निकले थे, यहीं पर उन्होंने स्नान किया था, बाल का मुंडन करवाया था और यहीं से वह अध्यात्म की ओर चले गए और वह राजसी वस्त्र को त्याग दिया। उनके जो सारथी और जो घोड़े वो थे सब लौट गए और यहाँ से वह अपना अध्यात्म की ओर चले गए। तो रामपुरवा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दो स्तंभ है, दोनों स्तंभ के शीर्ष टूट गए हैं। एक का जो लेख युक्त शीर्ष है, जो सिंह का उस पर मूर्ति है, वह कलकत्ता संग्रहालय में है। द्वितीय स्तंभ जो लेख विहीन है, वृखम की आकृति थी जो राष्ट्रपति भवन में, ये दोनों पूछे जाते हैं। रामपुरवा में केवल स्तंभ है जो रख रखाव के ध्यान नहीं अधिक देने से वह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वैशाली स्तंभ लेख है, वैशाली स्तंभ लेख के शीर्ष पर सिंह अवस्थित है जो उत्तर की ओर उत्तर दिशा की ओर वह अवस्थित है। उत्तर दिशा का मतलब है कि वैशाली में अंतिम प्रवचन देने के बाद बुद्ध उत्तर की ओर जा रहे हैं, यह इंगित करता है। और यहीं पर आपको कलिंग की युद्ध को त्याग करके बुद्ध की शरण में आए, बौद्ध धर्म के शरण में आए अशोक, इसीलिए वैशाली का स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक ने जहां जहां भी, यह चाहे लौरिया अरे राज का है, इस होकर के बुद्ध गए थे इसलिए, या यहाँ पर स्तंभ करवाए थे, बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल है वहां पर उन्होंने स्तंभ लेख का उन्होंने निर्माण करवाया। यह बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम आ रहे हैं अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख में इसमें दो महत्वपूर्ण है, बराबर की गुफाएं हैं और दूसरा नागार्जुन की गुफा है। ये दोनों जो है सो आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी पर दोनों है। दोनों जुड़वा पहाड़ी कहलाता है। पूर्व में यह गया जिला में अवस्थित था, अभी वर्तमान में यह जो है सो आपको जहानाबाद जिला में अवस्थित है। अधिक यह जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं हैं, यह आपको मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय की मैंने पूर्व वीडियो में चर्चा किया था, इसके संस्थापक जो थे मोगाली, या जो संपाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के द्वारा जो बना है भी, इसको स्थापित किया गया था वह आपको गोशाल के द्वारा जो किया गया था वह आपको बाद में यह और भी बढ़ा, जिसमें अशोक के पीरियड में या जो है आपको इसके संरक्षण के लिए, इसके विकास के लिए इन्होंने, अशोक ने बराबर की गुफाएं स्थापित किया। और वह बराबर की गुफाएं जो है अशोक के द्वारा स्थापित किया गया और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन गुफाएं स्थापित की गई। तो यह जो है, या बराबर पूछा जाता है कि बराबर की गुफाएं किसके द्वारा किया गया, तो सम्राट अशोक के द्वारा, इसलिए मैंने इसको दो भागों में कर दिया। ये दोनों जो है आजीवक संप्रदाय के लिए। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सम्राट अशोक ने क्यों, जबकि वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, आजीवक संप्रदाय के लिए क्यों उन्होंने किया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह इनके लिए धार्मिक समन्वयता और शांति और समन्वय सामंजस्य के लिए सभी धर्मों को यादर करते थे, इसीलिए आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने बराबर की गुफाएं बनाई। बराबर की गुफाएं चार है, करण चौपर है, लोमस ऋषि है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी है। विश्व झोपड़ी से संबंधित कई बार प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग ध्यान देंगे। लोमस ऋषि जो है मेहराब की तरह इसकी आकृति है, जो मुख्य इसका जो गेट है जो उस पर मेहराब की तरह की आकृति है। और यह सुदामा जो है चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली प्रारंभिक गुफा के स्तर में आता है। लोमस ऋषि और सुदामा दोनों प्रारंभिक गुफा की जो स्टेज है उसी में आता है लोमस ऋषि और सुदामा।
और इसमें मुख्यतः जितने भी बराबर की गुफाएं हैं वो सभी जो है दो कक्षों की बनाया गया। एक मुख्य कक्ष था जिसमें 40 से 50 आदमी को बैठने की व्यवस्था थी, और एक छोटा था जो शयन कक्ष था वह छोटा था। यह आपको ग्रेफाइट को तराश करके बनाया गया है। यह इसकी आंतरिक सतह जो है पॉलिश युक्त है, और इसमें गुंज जो है जो इको के साथ करता है, और वह बहुत ही लोमहर्षक है। और एक बार ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित बोलने पर वह प्रतिध्वनित कई मिनटों तक रहता है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको गुंज की दृष्टिकोण से, और इसके बनावट की दृष्टिकोण से बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की है। अब जो हम आते हैं कि दशरथ के द्वारा नागार्जुन गुफाएं जस्ट उसकी जुड़वा पहाड़ियों में स्थित छोटी है और नवीन है, और यह जो है आपको बराबर की गुफाएं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसमें गोपी है जिसको गोपी का कुभा मीन्स गुफा भी कहा जाता है, गुहा भी कहा जाता है, वीति का गुहा और गुफा कहा जाता है, वेदायती गुहा कहा जाता है, वपिया का गुहा जिसको हम लोग मिर्जा मंडी कहते हैं। तो यह जो है आपको स्थलाकृति के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार ही नहीं किया बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी इन्होंने कई तरह की चीजों को बनवाया जो उन लोगों के लिए बहुत ही सहयोग की बात हुई, जिसमें आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफाएं और बनवाए अशोक ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी धार्मिक समन्वयता की बात को उजागर करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बाद से शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख 14 है, और उस 14 शिलालेख में उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया है आम जन को। उन्होंने इसलिए यह शिलालेख जो पत्थरों पर पहाड़ों पर उसको तराश करके उसको उस पर उत्कीर्ण करवाते थे, हम समझते हैं कि उस समय के इंजीनियर जो रहे होंगे वह अभियंता जो रहे होंगे वो अपने छेनी हथौड़ी से करते होंगे, क्योंकि आज भी उसमें कोई गलती नहीं है। और खास करके कई लिपियों का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी से लेकर के अरामाइक लिपि कई लिपियों का प्रयोग किया गया है, जो कहीं ना कहीं काफी विद्वान लोग होंगे वही इस तरह की भाषा को लिख सकते हैं, और वह जरूर ही अभियंता होंगे जो सही ढंग से उत्कीर्ण करवाए होंगे। ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दीर्घ शिलालेख जो थे बड़े बड़े शिलालेख है, शिला मीन्स पत्थर होता है, पहाड़ों और पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए थे। क्यों उत्कीर्ण करवाए थे? कि आम जनता आकर के पढ़े और उसके अनुसार वह धर्माचरण करे, धर्म का आचरण करे और नैतिकता का पाठ पढ़े, और हमारे जो वंशज है, हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है, राजाओं की जो पीढ़ी होगी, वो भी इसी तरह से धर्माचरण करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे। इसीलिए उन्होंने शिलालेख पत्थरों पर लेख लिखवाया, जो दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है। आज मैं फिर नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख जो 14 है और लघु शिलालेख पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे जो प्रणति आईएएस चैनल है उसका जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक बटन ये करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आपको बराबर विभिन्न विषयों पर वह आपका विषय वस्तु मिलता जाएगा, जिससे पढ़ करके आप संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि हमारा हम लोगों का लक्ष्य है कि संपूर्ण तैयारी हो, इसमें भूगोल है,
भारतीय संविधान सरकार है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इस इन सारी अध्यायों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बेहतर हम करेंगे। जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।